सो हेलो दोस्तों, आज हम क्रंचीरोल के स्प्रिंग एनिमे हिंदी डब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आप आगे आने वाली अपडेट्स को मिस मत कर दो। अब बिना किसी देरी के आ जाइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे लवर चिट चैट, आ जाइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रंची रोल सच में हिंदी डबिंग को काफी ज्यादा सीरियस ले गया है, क्योंकि उन्होंने रैंकिंग ऑफ किंग्स और ड्रेस अप डार्लिंग के बाद और भी काफी ज्यादा हिंदी डब्स लाने शुरू कर दिए। और इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि वो दोनों शोज की डबिंग ही काफी ज्यादा अच्छी थी। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में क्रंची रोल के स्प्रिंग एनिमे हिंदी डब्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी लिस्ट पे सबसे पहले पे है रैंकिंग ऑफ किंग्स ट्रेजर चेस्ट ऑफ करियर, जो की 13 अप्रैल को रिलीज होगा हिंदी डब के साथ, वो भी क्रंची रोल पे। और हम सब तो ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि रैंकिंग ऑफ किंग्स की डबिंग काफी ज्यादा औसम है, क्योंकि उन सब की वॉइसेस ही सारे कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा सूट करती है। तो अब चलते हैं अपने अगले एनिमे हिंदी डब की तरफ, जो कि है हेल्स पैराडाइज, और ये 1 अप्रैल को रिलीज हुआ था। जहां तक मैंने ये बात नोटिस की है, काफी लोग इसके हिंदी डब के लिए एक्साइटेड थे। और अगर आप लोगों ने इसका हिंदी डब देखा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारी लिस्ट पे अगले नंबर पे है मैशल मैजिक एंड मसल, जो कि 8 अप्रैल को रिलीज होगा हिंदी डब के साथ। इसलिए एनिमे की बहुत ज्यादा हाइप भरी हुई और इसको हिंदी डब में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। सो मैं तो इसको हिंदी डब में जरूर देखूंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला एनिमे, जिसका नाम है कामिकात्सु वर्किंग फॉर गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड, जो कि 6 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। ये एनिमे बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसके साथ ही गाइज ये हिंदी डब में भी आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा औसम बात है। कौन कौन इस एनिमे को देखेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला कौन सा एनिमे हिंदी डब में आ रहा है। सो गाइज, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि माई वन हिट किल सिस्टर एनिमे 8 अप्रैल को आ रहा है हिंदी डब के साथ। इस एनिमे का ट्रेलर मैंने देखा था और इसका ट्रेलर काफी ज्यादा फनी था, तो मुझे लगता है कि इसको हिंदी डब में देखना और भी ज्यादा फनी होगा। सो मैं इसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो अब चलते हैं अपनी लिस्ट के अगले एनिमे की तरफ, जो कि है डेड माउंट डेथ प्ले। और ये इसका की विजुअल दिखने में तो काफी ज्यादा डार्क लग रहा है, और ये एनिमे रिलीज होगा 11 अप्रैल को। तो अगर आपको ऐसे डार्क एनिमे देखना पसंद है तो आप इसको हिंदी डब में जल्दी एंजॉय कर पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो अगला एनिमे है वाई रियलियाना एंडी डब इन ड्यूक्स मेंशन, जो कि 10 अप्रैल को रिलीज होगा हिंदी डब के साथ। इसका की विजुअल तो दिखने में काफी ज्यादा चार्मिंग लग रहा है, तो अगर आप लोग इस एनिमे में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या इसको देखोगे हिंदी डब में या नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो जो अगला एनिमे है वो है द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेसेस, जो कि 8 अप्रैल को रिलीज होगा वो भी हिंदी डब के साथ। तो कौन कौन इस एनिमे को हिंदी में देखने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जो हमारी लिस्ट पे सबसे लास्ट एनिमे है वो है द एंशिएंट मेगस ब्राइड सीजन 2, जो कि 6 अप्रैल को रिलीज होगा। गाइस, सच में इस चीज में कोई शक नहीं है कि इस एनिमे का हिंदी डबिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इवन जो लड़की की वॉइस है और जो एलियस की वॉइस है वो बहुत सही है। मैंने इस एनिमे को जैपनीज में देखने की ट्राई की थी, पर इस एनिमे ने मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं किया था जितना इसने हिंदी डबिंग में किया। अगर आप लोगों ने इस एनिमे का हिंदी डब देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को इसका हिंदी डब कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा औसम लगा। तो गाइस, आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय चैटर्स।